यूं तो पूरे देश में दिवाली की धूम है, लेकिन असली दिवाली तो पंचकुला में स्थित एक फार्मा कंपनी के कर्मचारियों की मनी है। MITS हेल्थकेयर कंपनी के मालिक MK भाटिया ने अपने कर्मचारियों को दिवाली तोहफे के रूप में कार गिफ्ट की है। शुरुआत में कंपनी के 12 कर्मचारियों को ये कार गिफ्ट की गई है। अभी 38 और कर्मचारियों के लिए कार आनी बाकी है। दिवाली पर मिले इस सरप्राइज गिफ्ट से कंपनी कर्मचारियों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा और कईयों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कंपनी ने उन्हें दिवाली गिफ्ट के रूप में गाड़ी दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काफी थैंकफुल है एमजी सर के, जिन्होंने हमें ये कार गिफ्ट करी है। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था और सर ने जब ये अनाउंस किया कि हमें भी कार मिल गई है तो हम काफी ग्रेटफुल थे सर के। सबसे पहले अपनी फैमिली से मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हमें कार गिफ्ट करी है, तो घर वाले भी बहुत खुश थे। तो हम काफी ग्रेटफुल है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट मैं हैंडल करती हूँ। स्टार्टिंग में सर ने सब कुछ सिखाया स्टेप बाय स्टेप, नॉट इवन परचेज, इवन सेल्स में भी सर काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में भी सर ने काफ़ी अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि हमारे डायरेक्टर्स हमें सिखाते हैं, हम भी अपने सीनियर से सीखते हैं कि कैसे कैसे वो हमें सिखा रहे हैं। तो वो हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं हर एक चीज़ को यहाँ की, और वर्क एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो हम बहुत खुश है कि हम यहीं पे काम कर रहे हैं। मुझे आइडिया तो नहीं था कि इतनी जल्दी मिल जाएगी। सर मुझसे पूछा करते थे जैसे कि कब लेनी है गाड़ी, कब लेनी है। तो मतलब एक होता है ना कि मैं कि हमें ये था कि हमसे ऊपर सीनियर्स है, पहले उनको मिलेगी, देन हमारा नंबर आएगा। तो मतलब ऐसे बोल देती थी कि 3 साल के बाद। तो सर ने वहाँ पे समझाया, मुझे पॉजिटिव वर्ड दिया कि मैम नहीं, 3 साल नहीं बोल रहे, कि आप तो भगवान आपको चाहते हो कि इसी साल में आ जाए आपकी गाड़ी, आप उसको आगे क्यों डिले कर रहे हो। कहते हमेशा पॉजिटिव रहना, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि उसी साल में, मतलब आज इसी साल में मुझे गाड़ी मिल जाएगी। तो काफी आपके लिए सरप्राइजिंग रहा ये मोमेंट? बिल्कुल, बहुत सरप्राइजिंग है। इवन जो ये गाड़ियों की डीलिंग वगैरह थी, ये मेरे ही थ्रू हुई थी, मैंने ही हैंडलिंग करी है सारी, मतलब सारी जो भी गाड़ी है वो मैंने ही मतलब हैंडलिंग करी है स्टोर वालों से। तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और आपने जैसे कि पूछा मुझसे इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे हमें लगता ही नहीं है कि, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, कि मैं एक घर से निकल कर दूसरे घर में आ रही हूँ। कि हमारा तो डेली ऐसे चलता है कि घर टू घर, घर टू घर, ऐसा नहीं होता कि सबके लिए नॉर्मली ऐसा होता है जनरल लाइफ में, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस। लेकिन मेरे लिए ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि एक घर से निकल के दूसरे घर में आ रही हूँ। उधर कंपनी मालिक MK भाटिया का कहना है कि ये सब कर्मचारी शुरुआत से उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं और ये गाड़ियाँ उनकी मेहनत और ईमानदारी का ही इनाम है। तो मैं जब चंडीगढ़ आया, छोटा सा ऑफिस लिया, तो पहले एक बुजुर्ग बंदा रख के उनका घर देख के आया, उनके बच्चे देख के आया, कौन से स्कूल में पढ़े, सब कुछ इन्फॉर्मेशन करके आया कि चल यार अगर ये कुछ करेगा तो घर जाके इन्हें वॉच कर लूंगा। तो ऐसे ही मेरी हमारी जर्नी शुरू हुई। कभी 2 कंप्यूटर खरीदे, मतलब बजट तो मैं इतना राइज नहीं कर रहा था, थोड़ा फेलियर्स हुए हुए थे, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट किया था तो कुछ थोड़ा सा कुछ EMI रह रही थी। तो मैंने कहा चलो चंडीगढ़ में, वहाँ की इनकम से, मुजफ्फरनगर की इनकम से ये EMI हट जाएगी और चंडीगढ़ में नया सपना शुरू कर। जब यहाँ आया तो एक एक करके लोग जुड़े, कईयों ने ट्रस्ट किया, मेरे सपने थे बड़ी करने के, कईयों को लगता था कि नहीं यार ये होएगा ही नहीं, पहले हम बड़ी में जाए। तो जिन लोगों ने ट्रस्ट किया कि नहीं इस कंपनी को ही बड़ी करना है, ये वही सितारे हैं, ये वही सेलिब्रिटी हैं, और इसीलिए इनको कार दी गई है कि इनका कॉन्फिडेंस कि कंपनी ग्रो कर रही है तो हमारी भी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते, कि आप पैसे भी, आपके पास पैसे पड़े हैं, आजकल क्या होता है हर फैमिली में भी उसमें क्या होता है, अरे गाड़ी क्या खरीदनी, जबकि आज के टाइम में गाड़ी कार सबसे इम्पोर्टेंट हुए हैं। कोई भी छोटा छोटा बच्चा भी अगर आप देख लोगे, सबका सपना होता है कि काश मेरा भी अपनी कार हो, मेरा भी अपना घर हो। तो इनको मोटिवेट करने के लिए कि जो चीज़ ये सोचे कि अरे 20 साल बाद लूंगी मैं गाड़ी, 10 साल बाद, 10 साल किसने देखे, कि आज ये 5 साल आगे पहुंच जाए, तो इसको रिवार्ड करने के लिए इनको गाड़ी। आज जिन्हें आप सेलिब्रिटी कहते हैं, आज सच में वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। तमाम जगह चर्चा है कि दिवाली पर आपने उन्हें गाड़ी तोहफे में दी है। कितने जो है सेलिब्रिटी हैं आपकी कंपनी के, मिक्स हेल्थकेयर के, उनको ये गाड़ी दी गई है? टोटल 12 लोग हैं। और देखिए दिवाली भी है, दिवाली बन गई है, हमारी भी बन गई है, सबके लिए दिवाली है। बट सिर्फ इसको बिल्कुल सिर्फ एक कनेक्ट करके ना देखा जाए कि सिर्फ दिवाली है तो मतलब हमने इनको गाड़ी दी है, ऐसा नहीं है। मतलब वो भी टाइम आएगा कि हम, हो सकता है कि इस बारी की जो न्यूज़ हमारी वायरल हुई है इससे इंस्पायर होकर हम सिस्टम ही बना लें कि अगली हर दिवाली पे हम मतलब गाड़ी दें, पर अभी तो ये पुराना हमारा प्लान चला रहा था,
तो इन्हें रिगार्ड करने के लिए टाइमिंग बन गया वही सेम फेस्टिवल आने वाले समय में और भी ऐसे सेलिब्रिटीज। देखिए अपने मुंह से पिछली बार निकला था कि मेरा विश तो है कि अभी 12 का आंकड़ा बनाया है तो 50 का आंकड़ा भी बनाए, और अभी तो कुछ ऐसे लोग हैं भी जो मैं कहता हूँ कि वो नंबर्स बढ़ रहे हैं, 10-12-15 लोग तो ऐसे भी हैं कि जो हमें लग रहा है उन्हें उम्मीद लग रही है कि अगली गाड़ी अगला इंटरव्यू आप उनका ले रहे होंगे, तो हमारी उम्मीद है और गॉड की ब्लेसिंग से ही आप सबकी विशेष और गाड़ी मिले सब लोगों को। पंचकुला से हरियाणा तक के लिए उमंग शोरान की रिपोर्ट।